दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय रिवाइव फिजियोथेरेपी धर्मशाला। कांगड़ा जिला के चंबे मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पुलवामा हमले पर कोई राजनीति न होने का फैसला लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह दुखद तथ्य है कि जब समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सियासत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देश पर कुर्बान होने वाले पैरामिलिट्री के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पूरा का विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री उस मामले का पॉलिटिसाइजेशन कर भाषण में जाके कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की बुराई करते हैं, उल्टी सीधे बातें करते हैं। मगर मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 7-8 दिन कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने सुना है यहां प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भाषण किया और राफेल हवाई जहाज की बात की और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर राफेल हवाई जहाज पहले आ जाता तो हिंदुस्तान का फायदा होगा। अब मैं थोड़ी गहराई में जाऊंगा, थोड़ी डिटेल में जाऊंगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा राफेल हवाई जहाज और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूं। और मैं यहां गहराई में जाऊंगा क्योंकि ये जो प्रदेश है ये वायुसेना को, आर्मी को, नेवी को, पैरामिलिट्रीज को अपने हजारों युवा देता है, वो शहीद होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आज गहराई में और थोड़ा समय लगेगा, मैं राफेल मामले के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कहानी यूपीए के समय शुरू होती है, एयरफोर्स को हवाई जहाज की जरूरत है। अलग अलग लोग कंपटीशन में थे, 8 साल ये प्रोसेस चला। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। 126 हवाई जहाज खरीदने थे और यूपीए सरकार ने निर्णय लिया कि फ्रांस का राफेल हवाई जहाज सबसे अच्छा है। एयरफोर्स के नेगोशिएशन टीम ने यह बात बोली और उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिग हवाई जहाज, जैगुआर, मिराज, जिन्होंने पाकिस्तान में बम जाके गिराया, उसका पूरा का पूरा काम एयरटेल करती है, कॉन्ट्रैक्ट उनको जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को धर्मशाला के रिवाइव फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आजीवन निशुल्क हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डॉक्टर मालविका राणा का कहना है कि आम लोगों के लिए कमर दर्द, कोहनी दर्द, पैर का दर्द, गठिया, सर्वाइकल, अधरंग, स्लिप डिस्क, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को यहाँ ठीक किया जाता है। पैर में मोच आना, घुटने की दर्द, कमर की दर्द, स्लिप डिस्क है, कमर में डिस्क का हिलना जिससे टांग में दर्द जाती है, उसका इलाज, कमर की स्टिफनेस, गर्दन का इलाज, टेनिस एल्बो का इलाज, ये सारा हम अपने क्लिनिक में करते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।